कुछ आंकड़े आपको बता दूं। जी हां, समाजवादी पार्टी ने सोचा था कि करहल के कुरुक्षेत्र में विजय का शंखनाद करना अखिलेश यादव के लिए बड़ा आसान होगा, लेकिन भाजपा ने सपा अध्यक्ष की राह में चुनौतियों के नए कांटे बो दिए। अब ये जान लेते हैं कि आखिर करहल का सपाई किला कितना मजबूत है। जी हां, इस आंकड़े पर एक नजर डालते हैं। करहल का कुरुक्षेत्र जो है, 2017 के नतीजों की बात करें तो समाजवादी पार्टी का ये पुराना गढ़ है और 2017 में सपा के सुबर्ण सिंह यादव जीते थे। सुबर्ण ने भाजपा की रमा शाक्य को हराया था 38,405 वोट के अंतर से। सपा की यहां पर जीत हुई थी और सपा को 2017 में 49.81% वोट मिले। कुल मतदाताओं में करीब 39% यादव वोटर हैं। आप समझिए, यही सबसे बड़ी ताकत इस सीट पर समाजवादी पार्टी के भी है। वहीं चुनावी संग्राम के बीच सीधे सीधे अखिलेश को आर पार की चुनौती देकर भाजपा ने कितने संदेश एक साथ दिए हैं, अब जल्दी से मैं आपको वो भी बता देता हूं। भाजपा का चुनौती संदेश, जी हां, इस संदेश को समझिए। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो विरोधी नेताओं के लिए चुनावी लड़ाई मुश्किल बनाने की कोशिश है। गढ़ में घुसकर सीधा चैलेंज देने की कोशिश है। हर सीट पर पूरी ताकत लगाएंगे। बीजेपी यह बताना चाहती है अपने बड़े चेहरों को मैदान में उतारने से बीजेपी गुरेज नहीं कर रही है, यह संदेश देना चाह रही है बीजेपी। और सपा के जातीय समीकरण को अहमियत नहीं देना चाहती, अपने एजेंडे पर चुनाव जीतने का भरोसा है और कदम कदम पर चौंकाने वाली रणनीति अपनाएंगे। ये बात भी इस कदम से साफ हो गई।